सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र में आते ही विवादों में घिर गई है। राहुल गांधी का वीर सावरकर के वक्तव्य पर अब विरोधी पक्ष आक्रामक हो गया है। भारतीय जनता पार्टी और युवा मोर्चा ने शुक्रवार को शहर के गणेशपेट पुलिस थाना में राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। विदर्भ में आई भारत जोड़ो यात्रा अब अलग राह पर चल रही है। अकोला में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने वीर सावरकर पर वक्तव्य करने पर अब इस वक्तव्य का महाराष्ट्र में विरोध हो रहा है। गुरुवार को भाजपा की ओर से पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन किया गया और शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी और युवा मोर्चा की ओर से शहर के गणेशपेट पुलिस थाना में सांसद राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत की और मामला दर्ज की मांग की है। इस समय विधायक कृष्णा खोपड़े, शहर अध्यक्ष प्रवीण दट्ट के प्रवक्ता अर्चना ढेनकर और नगर सेवक धर्मपाल उपस्थित थे। परसों जो कुछ इस महाराष्ट्र में हुआ उसके बारे में हम यहाँ आए हैं। कल हमारा आंदोलन भी हुआ, आप सभी वहाँ थे। स्वातंत्र वीर सावरकर जी के बारे में जो वक्तव्य राहुल गांधी जी ने किया वो आक्षेपार्थ है और ये महाराष्ट्र में करना ये बहुत ही दुर्दैव है। जिस आदमी के परिवार ने अपना सारा जीवन देश के लिए अर्पित किया उनके बारे में ऐसी गलत बात करना ये हम सहन नहीं करेंगे। कल हमने आंदोलन किया, आज हम कायदेशीर मार्ग से गणेशपेट पुलिस स्टेशन नागपुर में आए हैं। हम यहाँ के हमारे पीआई साहब है शिरसागर, उनको हमने वो तकरार की है। हमारे ज्येष्ठ नेता माननीय कृष्णभाऊ खोपड़े, अर्चनाताई डेहनकर, शिवानीताई दाणी, पारेंद्र पटले, इनके साथ हम यहाँ आए हैं और उचित कार्रवाई वो करेंगे, हमें विश्वास है। हमने कायदे के अनुसार पेंड्रे होगा, कंप्लेंट होगी, किस कलम में होगा ये सब हमने लिखा है। हम 7-8 दिन राह देखेंगे, नहीं तो हम माननीय कृष्णाभाऊ के नेतृत्व में हाईकोर्ट तक जाएंगे और वो हम करके लाएंगे। लेकिन इस महाराष्ट्र में जो हिंदुत्व की भूमिका लेने वाले लोग थे आज राहुल गांधी जी के गले मिल रहे और सावरकर जी के बारे में जो कुछ वो कह रहे उनको समर्थन दे रहे, ऐसा हमारा आरोप है। और हम माननीय सावरकर जी के बारे में, स्वातंत्र वीर सावरकर जी के बारे में ये सहन नहीं करेंगे। जिस हद तक हम जा सकेंगे उस हद तक हम जाएंगे, लेकिन ये हम महाराष्ट्र में सहन नहीं करेंगे, इसलिए हम आज इनकी कंप्लेंट करने आए। पत्रकारों से बात करते हुए शहर अध्यक्ष प्रवीण दटके ने शिवसेना सांसद संजय राउत पर प्रहार करते हुए कहा कि सेना एक और वीर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग करती है और दूसरी ओर भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन करते हैं। बोलने का ही मुझे मला तो बोलायची पण इच्छा नाही। संजय राउत आज वेगळे बोलतात, उद्या वेगळे बोलतात, एकीकडे सांगतात त्यांना भारत रत्न द्या आणि दुसरीकडे जो सावरकरांबद्दल इतका वाईट बोलतो त्याला त्यांचा युवा नेता गळे मिळून त्याच्यासोबत चालतो, याच्यावर पहिले संजय राऊतांना विचारा, मग त्यांनी सावरकर त्यांना माननीय स्वातंत्र्यवीर सावरकरांवर बोलण्याची कुठलीही त्यांची म्हणजे शब्द मोठे आहेत ते, पण ते आता उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या शिवसेनेच्या एकाही नेत्याला ती पात्रता उरली नाही असं माझं म्हणणं। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसी, BCN News नागपूर।